इसलिए इसको जानना जरूरी है बाबू, समझ गए बाबू। और यदि अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में प्रिंटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में प्रिंटर की बात करते हैं, तो प्रिंटर जो है, आपको बता दें कि प्रिंटर एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बात को समझिएगा। पहले बात करते हैं कि प्रिंटर है क्या, तो प्रिंटर एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। अच्छा, बात रहा कि अब ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्यों है, आखिर इसे हम ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्यों कहा, ठीक है, बात यह है कि हमने इसे ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्यों कहा। तो सबसे पहले बात यह सबसे पहले बात यह कि हम लोग इसको ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं। देखिए, बिना कंप्यूटर चालू हुए यह प्रिंटर काम नहीं करता। जब तक कंप्यूटर चालू नहीं रहेगा तब तक जो है हमारा ये प्रिंटर काम नहीं करेगा। इसलिए जब तक अगर कोई चीज चालू होता है, यदि कोई भी यंत्र चालू होता है, तो ऑनलाइन कहा जाता है उसे। अभी तक दिमाग में आपके दिमाग चल रहा हो कि ऑनलाइन, तो हम समझ रहे हैं कि ऑनलाइन क्या होता है, जब हम मोबाइल चालू करते हैं और हम वीडियो देखते हैं तो ऑनलाइन रहते हैं, वहां सही बात है, मतलब चालू, वहां पे भी आया चालू रहता है, यानी कि मोबाइल जब चालू रहता है। तो प्रिंटर भी कहता है कि जब प्रिंटर कहता है कि जब आपका कंप्यूटर यानी जो सिस्टम है, जो आपका पीसी है, जब आपका चालू रहेगा, तब वहां पे जो है आपका, है ना, चालू रहने के दौरान उसे कहते हैं हम लोग ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं बोलिए, ऑनलाइन इनपुट क्लियर डिवाइस। हुआ? अच्छा, यस इसमें होता क्या है, इसमें, है ना, इसमें आउटपुट के रूप में हमें क्या करते हैं, पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ लिख करके देता है, प्रिंटर का काम है। अब जो कंप्यूटर में हमने क्या किया, कोई फॉर्म भरा, ठीक है, अब उसका आप रिसीविंग देते हो, तो जब आप रिसीविंग दोगे, तो जब आप रिसीविंग जब दोगे बाबू, है ना, तो रिसीविंग किसी न किसी पेपर में दोगे, और वह क्या कहलाएगा, आउटपुट, क्या कहलाएगा, आउटपुट। इसलिए कहा गया है कि प्रिंटर एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है और वह आउटपुट डिवाइस भी है। बात समझ गए, आउटपुट डिवाइस क्यों कहा गया, क्योंकि यह क्या करता है, अपने अंदर से निकालने का काम करता है। क्लियर हुआ? यह कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ क्या करता है, देता है ना, रिजल्ट देता है। आप जो कुछ भी एंटर किए उसको आप प्रिंट करके वो आउट कर दिया, आउट किया ना, आउटपुट डिवाइस है। किस पर आउटपुट डिवाइस देगा, है ना, आउटपुट किस पे करेगा, तो पेपर पे करेगा, कहाँ करेगा, पेपर पे। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि प्रिंटर जो है कागज पर लिए गए एक आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब बात कुछ समझिएगा, हार्ड कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी होता क्या है, सुनो, हार्ड कॉपी जो होता है बिल्कुल, है ना, जैसे दो तरह का पेपर होता है, हम आपको पेपर दिखाएंगे, जैसे हम आपको बताएं आपको, ठीक है, जैसे हम मान ली कि एक पेपर लिया मैंने, मैंने एक पेपर लिया, ठीक है, तो इस पेपर में, अब आप देखिएगा इस पेपर में, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये पेपर जो है, इस पेपर में हम आपको बता दें कि पेपर जो है ये हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी है, ये आपको, है ना, दो तरह का कॉपी, एक हार्ड कॉपी एक फोटो कॉपी, है ना, एक हार्ड कॉपी एक फोटो कॉपी। अब यहाँ पे समझना ये है, ये हार्ड कॉपी है कि है ना आपका फोटो कॉपी है, इस बात को समझिए। यदि मान लीजिए कि ये प्रिंट जो किया हुआ है, आप जो देख रहे हैं, अगर हम प्रिंट किए हुए, है ना, स्याही पर अगर हम क्या करते हैं अपने नाखून से ऐसे करेंगे, तो इसे पता चल जाएगा, अगर ये क्या हो जाएगा, अगर ये स्याही में टरने लगेगा, तो समझिए कि ये क्या है, फोटो कॉपी है। क्या है, फोटो कॉपी, आप देख रहे होंगे मिटर रहा होगा, देखिए अच्छा से, हल्का हल्का हो रहा है, अभी अभी और भी करेंगे तो निकलेगा, ठीक है। हार्ड कॉपी जो होता है ना, हार्ड कॉपी का प्रिंट खत्म नहीं होता, हार्ड कॉपी का प्रिंट जो है वो खत्म नहीं होता, वो आप कितना भी नाखून से कर ले, पेज पेज आपका फट जाएगा, लेकिन प्रिंट जो है नहीं फटेगा, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। बस समझ में आया, हार्ड कॉपी एक अलग डिजाइन का काम है। हार्ड कॉपी जो होता है वो पेपर पे जब एक बार छप जाएगा, वो जो है आपको स्याही जो है ना कभी भी हट नहीं सकता है, पेपर आपका फट जाएगा लेकिन स्याही कभी नहीं हटेगा। अब आपको फिर से समझा दे आपको कि ये हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है,
प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी हमें देता है, बस समझ में आया, हार्ड कॉपी देता है। अब आपको कोई पूछेगा कि है ना प्रिंटर जो होता है किस प्रकार का कॉपी करता है, तो दो प्रकार का, एक तो फोटो कॉपी और दूसरा हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कब निकलेगा, जब पहली बार, जब आप पहली बार जब कंप्यूटर से जब अपना रिसीविंग प्राप्त करते हैं तो वह आपका हार्ड कॉपी होता है। क्या होता है, हार्ड कॉपी। गुड, बहुत अच्छा। अब आइए, हार्ड कॉपी जो होता है वह इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जो प्रोसेस काम करता है, ये प्रोसेस किस पे काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो टेक्नोलॉजी जो होती है वह प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है। अब देखिए, ये दो प्रकार के होता है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रिंटर दो प्रकार के होता है। पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। सर ये होता क्या है, अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करेंगे इंपैक्ट प्रिंटर की, पूरा बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करती है, प्रिंटिंग, क्या करती है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और यह दो प्रकार की होती है। यानी आपसे को पूछे कि प्रिंटर को कितने भागों बांटा गया, तो दो भागों में, कितने भागों बांटा गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंटर को कितने भागों बांटा गया, तो दो भागों में प्रिंटर को बांटा गया है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उस पे काम करती है, समझ के बात। अब रही बात कि यह है ना दो भागों में बटा हुआ है, तो कौन कौन, एक को कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरे का नाम याद रखिएगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब रहा बात कि सर इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर जो है, अब इसको समझने के लिए आप यहां समझिए, इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटिंग, जिसमें होता क्या है कि इसमें सामान्य यानी जनरली के है ना प्रिंटिंग का काम होता है, मतलब सामान्य तौर पर जो जनरली जो प्रिंटिंग होता है वो काम किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटिंग, ठीक है, इसमें सामान छपाई होती है। फिर समझिएगा, प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया था, ध्यान समझिएगा, प्रिंटर को दो भागों में, एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अभी हम पढ़ रहे हैं पहला वाला, क्लियर हो रहा है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं पहला वाला जिसका इंपैक्ट प्रिंटर है ना, इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटिंग, ये क्या होता है, तो वैसा प्रिंटर है जो इसमें सामान्य छपाई होती है, मतलब जनरली छपाई, बस समझ में आया, जिसमें जनरल छपाई होता है। दूसरा होता है नियर लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग, इसमें क्या होता है कि एक अक्षर दो बार छापा जाता है, इसमें एक ही अक्षर दो बार छापेगा, बस समझ में आया, एक लेटर दो बार छपेगा, तो इसका नाम है ना नियर लेटर, नियर मतलब नजदीक नजदीक, बस समझ में आया, नियर लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग। अब आइए हम आपको आगे ले चलते हैं, इसमें और आगे आपको बता दें तो आपको ले चलते हैं, तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं प्रिंटर में, और थोड़ा सा बढ़ते हैं तो इसी के अंतर्गत इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत ही एक आता है सॉलिड प्रिंटर। सॉलिड प्रिंटर क्या है ना, कहता है कि सॉलिड प्रिंटर को डेसी व्हील प्रिंटर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर का में है ना, इसमें सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर में एक चक्र लगा होता है और इस चक्र की सहायता से इसमें छापने की मदद की जाती है। अभी कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, जैसे ये चक्र है, ये व्हील है, अब इस पे क्या है लेटर, इस पे क्या कर दिया गया है ना, इस पे साट दिया गया, ठीक है। अब ये घूमेगा, यहाँ पेपर चल रहा है, बस समझ में आ रहा, देखिए ऐसा पेपर चल रहा है, ठीक है, ये व्हील है, ये चक्र है, चक्का समझते ना है, अब इस पे क्या है कि लेटर लिखा हुआ है, उभरा हुआ, जैसे मोहर मारने वाला आप देखे होंगे, देखे है ना, उस पर लेटर उभरा हुआ रहता है कि नहीं रहता, अब उस पर क्या कहते हैं कागज पर, आप उस पर क्या करेंगे दबाएंगे तो वो छप जाता है कागज पर, तो ई व्हील है। अब इस पे क्या है ना कि इस पे लेटर जो है छपा हुआ है, अभी जैसे जैसे घूमेगा है ना, कागज जैसे चल रहा है, बस समझ में आ रहा,
कागज से चल रहा है और जैसे जैसे घूमेगा बाबू वैसे वैसे कागज पे ये छपता चला जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। प्रत्येक ताने, इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक ताने पे एक अक्षर है ना उभरा रहता है, जिसे घूमने से, जिसके घूमने से क्या होता है कि कागज पे प्रिंट होता चला जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि इसी के अंतर्गत इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है लाइन प्रिंटर। क्या आता है? लाइन प्रिंटर। ध्यान दीजिएगा, लाइन प्रिंटर जो होता है बाबू, लाइन प्रिंटर को तीन भागों में बांटा गया है। लाइन प्रिंटर को तीन भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं चैन प्रिंटर। इसमें क्या होता है? चैन लगा होता है। बस सीधी सी बात है ना, लाइन प्रिंटर के अंदर तीन प्रिंटर होते हैं, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इसमें सब का है। चैन प्रिंटर में चैन लगा होता है। अब बताइए चैन कैसा होता है? आप लोग देखे होंगे चैन कैसा होता है। मान लीजिए कि आप, मान लीजिए कि एक ये एक है ना आपका, मान लीजिए कि आप कभी सिकरी उकरी वगैरह देखे होंगे है ना, तो एक दूसरे से कड़ी से क्या होता है? जुड़ा होता है। फिर ऐसे रहेगा, फिर इससे ई जुड़ा रहेगा, ऐसा रहता है। तो चैन है। क्या है? चैन है। अच्छा, बैंड प्रिंटर में एक बैंड लगा होता है और उस पे लेटर छपे होते हैं। ड्रम प्रिंटर में, ड्रम प्रिंटर में ठोस अक्षर क्या होते हैं? चिपके होते हैं। ड्रम रहेगा और उस पे क्या होता है? अक्षर चिपका हो रहेगा। जब वो ड्रम घूमेगा है ना, तो अपने आप जो है वो क्या करेगा है ना, वो छपाई होता चला जाएगा। क्लियर हुआ? समझ गए? तो आज हमने पढ़ा है ना, ठीक है, प्रिंटर के फर्स्ट रूप को, जिसका नाम है इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के फर्स्ट रूप को इंपैक्ट प्रिंटर ग्रुप में हमने जाना है। क्लियर हुआ ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। आपको एक चीज और बता दे, सबसे खास बात देखिए, इंपैक्ट प्रिंटर जितना भी सब आवाज करता है, जब वो छापेगा किसी चीज को तो आवाज करेगा। आपसे पूछ सकता क्वेश्चन, ऐसा कौन कंप्यूटर में ऐसे कौन सा डिवाइस जिसको है ना, या ऐसा भी क्वेश्चन कहेगा कि प्रिंटर में ऐसा प्रिंटर बताइए जो आवाज करता है, तो इंपैक्ट प्रिंटर। आवाज नहीं करने वाला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है कि नहीं? Yes, आवाज करेगा तो कौन होगा? इंपैक्ट प्रिंटर। और नहीं आवाज करने वाला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्लियर हुआ? आवाज करने वाला कौन होता है? और नहीं आवाज करने वाला? लेकिन इसकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कोई दिक्कत? एनी डाउट? चलिए ठीक है, इसको आराम से घर पे एक बार देखिएगा, मन लगा के इसको याद कीजिए, ध्यान से समझिए। और यदि कोई दिक्कत हो है ना, तो आप बिल्कुल बिना संकोच किए हुए आप द्वारा पूछ सकते हैं इसको। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, नेक्स्ट।